जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी दोस्तों का, सभी ट्रेडर्स का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम चर्चा करेंगे ये वीडियो में सिल्वर के बारे में। सिल्वर के अंदर जो है वो पिछले मंडे से लेके फ्राइडे तक वन वे डायरेक्शन में काफ़ी बड़ी गिरावट जो है वो हो चुकी है। सिल्वर में जो है वो 78,590 के आसपास हाई लगाया और कल जो है वो लगभग 72,500 के आसपास लो लगा चुका है। दोस्तों, काफ़ी बड़ी खतरनाक एक गिरावट जो है वो हमने देखी है सिल्वर के अंदर। लगभग देखने जाए तो 6,000 पॉइंट की गिरावट हुई है। और मंडे को हमने एक वीडियो जो है वो टाइटल दिया था लाइव के अंदर, टॉप की तैयारियां लाइव हम करते हैं दोस्तों 9:45 AM के आसपास। वहां पर हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि सिल्वर के दो रास्ते हो सकते हैं। एक है ट्रिपल टॉप वाला, दूसरा था ब्रेकआउट का। तो उसने ट्रिपल टॉप वाला रास्ता चुना, डिटेल में वो वीडियो के अंदर हमने चर्चा करी थी। तो वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है, वो जाकर आप देख सकते हो। उसके अंदर हमने एक लेवल चर्चा किया था दोस्तों मंडे को कि 77,500 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम है। वो लेवल अगर ब्रेक करता है सिल्वर तो हमें संभलना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे एक बड़ी खतरनाक गिरावट हो सकती है। फिर समयांतर पर जो है वो हमने लगातार जो है वो लेवल चर्चा करते रहे थे। कल भी एक लेवल चर्चा किया था लाइव के अंदर 74,000 के आसपास कि वो काटता है तो भी संभलना चाहिए। तो वहाँ से भी देखे दोस्तों तो भी 1,501 पॉइंट की गिरावट कल देखने को मिली थी। तो ये पिछले वीक की कुछ कहानी हो गई। अब आगे क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, वो ध्यान से सुन लेना। अब जो दोस्त तेजी करना चाहते हैं या तेजी के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए ऊपर की साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मैं मान रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, वो आता है 72,975। ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी अहम है। जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ काट के रुके नहीं, तब तक जो है वो मुझे नहीं लगता है कि हमें तेजी के बारे में सोचना चाहिए। ये लेवल काट के 2-3-4 घंटे वहाँ पर रुकता है, डे क्लोजिंग करता है, तब यहाँ से कुछ पुल बैक, कुछ बाउंस बैक की जो उम्मीद है वो मुझे लग रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तेजी जो है वो स्पीड पकड़ सकती है 74,100 के ऊपर। ठीक है, अगर मान लेते कि ये लेवल ऊपर काटता है और 74,000 का लेवल भी ऊपर काट देता है, तब जो है वो तेजी जोर पकड़ेगी, स्पीड पकड़ेगी। लेकिन जब तक ये 72,975 ऊपर का लेवल काट के रुकता नहीं है, तब तक जो है वो हमें तेजी से जो है वो सावधान होना चाहिए। और ये 77,500 से चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ऊपर की साइड की। अब नीचे में एक अच्छा सपोर्ट जो ध्यान में नजर आ रहा है दोस्तों, वो आता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है वो है 72,025 का, 72,025। ये वाला लेवल जो है वो अब हमारे लिए आखिरी उम्मीद बन सकता है। अगर ये लेवल काट के नीचे ही रुकने की कोशिश करता है तो ये जो गिरावट देख रहे हैं हम, वो और आगे तेज कर सकता है। तो जो दोस्तों ने शॉर्ट किया है वो अपना स्टॉप लॉस लगाकर उसको ट्रेल करते जाए, जिन्होंने बाय किया है वो अपना कोई भी स्टॉप लॉस जो है वो चुन ले, कैसे स्टॉप लॉस लगाए, कितना लगाए, कितना टारगेट रखे। ट्रेडिंग का स्मार्ट कट अगर आप समझना चाहो, देखना चाहो, तो माय इंट्राडे ट्रिक, जिसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखकर आप जो है वो यही सारी चीज़ें समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों सिल्वर के बारे में। जो मुझे लग रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है पूरी एक एक चीज़ के बारे में, जो लेवल है वो। और लाइव के अंदर जुड़ेंगे तब जो है वो डिटेल में मार्केट कहाँ पर ओपन करता है, फिर आगे की संभावना क्या बनती है, वो हम मंडे को लाइव करेंगे 9:45 AM के आसपास, तब जो है वो डिटेल में आगे की चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये लेवल जो दोस्तों बताए, अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर करना। ये जो लेवल हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो आपको पेपर ट्रेड के लिए वॉच करना है, मार्केट को समझना है, सीखना है, इसके ऊपर आप ट्रेड करो, उससे पहले आप अपने एडवाइजर की एक बार सलाह मशवरा जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहे उसके लिए सभी मित्रों का, सभी ट्रेडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।